गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज नीरज पाल फ्रॉम LPM पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आई वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट लाइन स्पेसिंग। ओके, लुक हियर, लाइन स्पेसिंग इज द ब्लैंक स्पेस बिटवीन ईच लाइन ऑफ अ पैराग्राफ और ए पेज। मीन्स जो लाइन स्पेसिंग होती है वो आपके दो लाइन के बीच में जो ब्लैंक स्पेस दिखाई देती है वो होती है लाइन स्पेसिंग। ओके, सपोज दैट दीज आर टू लाइन्स दिस वन एंड दिस वन। ओके, यू कैन सी हियर सम स्पेस आर। ओके, एंड दिस ब्लैंक स्पेस इज लाइन स्पेसिंग। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सेट द लाइन स्पेसिंग बिफोर आर आफ्टर टाइपिंग द डॉक्यूमेंट। आप अपना लाइन स्पेसिंग टाइपिंग के पहले या टाइपिंग के बाद सेट कर सकते हैं। ओके, लुक हियर, टू चेंज द लाइन स्पेसिंग फॉलो दीज स्टेप्स। इफ यू वॉन्ट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग इन योर डॉक्यूमेंट देन यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट इज सेलेक्ट द टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट लाइक दिस। ओके, देन आफ्टर स्टेप टू इज क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब। देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब एंड देन इन द पैराग्राफ ग्रुप यू विल क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, सबसे पहले आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो स्टेप थ्री में आप देखेंगे अ ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर। एक ड्रॉप डाउन मेनू आपके विंडो स्क्रीन पे दिखाई देगा। ओके, सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। उसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे लाइक दिस। ओके, देन यू हैव टू सेलेक्ट द पॉइंट एज पर योर नीड एंड क्लिक ऑन इट। और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपका लाइन स्पेसिंग जो है अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, द सेलेक्टेड लाइन स्पेसिंग इज अप्लाइड टू द टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है लाइन स्पेसिंग। सो अंडरस्टैंड एवरीवन हाउ यू कैन चेंज योर लाइन स्पेसिंग इन योर डॉक्यूमेंट। नाउ कम टू द पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, लुक हियर, पैराग्राफ स्पेसिंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस आर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पैराग्राफ। इट मीन्स यू कैन सी इन योर बुक देर आर सम डिस्टेंस बिटवीन वन पैराग्राफ टू अदर। लुक हियर, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट इज फिनिश्ड हियर एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो यू कैन सी हियर सम स्पेस। ओके, वर्टिकल स्पेस, दिस इज अ पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, सो यू कैन चेंज योर पैराग्राफ स्पेसिंग एज पर योर नीड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, लुक हियर, देर आर टू मेथड टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड इज प्लेस द कर्सर एनी वेयर इन अ पैराग्राफ आर सेलेक्टेड। सबसे पहले आप अपने माउस पॉइंटर को पैराग्राफ में कहीं भी ला करके क्लिक कर देंगे या फिर आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ स्टेप टू, क्लिक ऑन लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग बटन
in the paragraph group of the home tab. Then after you have to go and click the home tab, and in the home tab you can see paragraph group. In paragraph group you have to click on the line and paragraph spacing button. Okay, जैसे ही आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन मीनू अपीयर हो रहा है आपके विंडो स्क्रीन पे, ठीक है, और ड्रॉप डाउन मीनू विल बी अपीयर ऑन योर विंडो स्क्रीन. नाउ कम टू द स्टेप 3, सेलेक्ट आइदर एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ. देन आफ्टर यू हैव टू सेलेक्ट एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, दोनों में से किसी एक पे आप जो है क्लिक कर लेंगे, ऑप्शन एज पर योर नीड. ओके, एंड दिस ऑप्शन वेरी एज पर डॉक्यूमेंट सेटिंग. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है. उसमें से आप अपना पॉइंट चूज करेंगे एज पर योर नीड, एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन इट द पैराग्राफ स्पेस विल बी चेंज. नाउ कम टू द मेथड 2, यूजिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स. ओके, स्टेप फर्स्ट इज क्लिक ऑन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेनू. आप जो है ड्रॉप डाउन मेनू से लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में दिखेगा. देन आफ्टर इन द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब यू कैन कंट्रोल द पैराग्राफ स्पेसिंग यूजिंग द बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्स. ओके, आप यहां से आप फिगर देख सकते हैं. दिस इज द पैराग्राफ स्पेसिंग डायलॉग बॉक्स एंड दिस इज द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ठीक है. यू कैन चेंज योर पैराग्राफ स्पेसिंग एज पर योर नीड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेटिंग पेज मार्जिन. डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट वाइट स्पेस अराउंड द फोर साइड ऑफ अ बुक. आप देखते हैं कि आपके बुक के फोर साइड में, ठीक है, कुछ स्पेस होते हैं, टॉप पे, ठीक है, बॉटम पे, लेफ्ट पे और राइट पे. ओके, दीज ब्लैंक स्पेस इज अ मार्जिन ऑफ दैट पेज. ओके, यू मस्ट हैव नोटिस द वाइट स्पेस अराउंड द फोर साइड ऑफ अ बुक, दीज आर फोर मार्जिन. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप अपने बुक में देखेंगे आपके बुक के पेज के चारों तरफ जो है टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे और राइट पे कुछ स्पेस दिखाई देते हैं, वो जो है वो फोर मार्जिन होते हैं उस पेज के, ठीक है. मार्जिन इज द अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एज ऑफ पेज एंड द टेक्स्ट. मार्जिन के एम्प्टी स्पेस होता है आपके पेज एज का, ठीक है. अ पेज हैज़ टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. एक पेज के अंदर जो है चार तरह के मार्जिन्स होते हैं, ठीक है, टॉप पे होता है, बॉटम पे होता है, लेफ्ट पे होता है और राइट पे होता है. इन एमएस वर्ड द डिफॉल्ट सेटिंग फॉर ऑल द फोर मार्जिन इज 1 इंच ईच. एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है पेज मार्जिन का वो 1 इंच का होता है. मीन्स पेज से आपका 1 इंच स्पेस यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, 1 इंच स्पेस आपको यहाँ भी मिलेगा, 1 इंच स्पेस यहाँ भी मिलेगा और 1 इंच स्पेस यहाँ भी मिलेगा, ठीक है. मतलब आपके फोर साइड में, ठीक है, पेज के फोर साइड में आपको, इधर देखिए, ये जो आपका पेज है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन फाइंड हियर 1 इंच स्पेस, हेयर आल्सो यू कैन फाइंड 1 इंच स्पेस, हेयर आल्सो 1 इंच एंड बॉटम आल्सो 1 इंच, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन चेंज दिस पेज मार्जिन अकॉर्डिंग टू योर नीड. ओके, सो
नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन टुमारो एंड द स्टेप्स ऑफ पेज मार्जिंग आई विल एक्सप्लेन टुमारो. ओके, गुड डे स्टूडेंट्स, बाय बाय.